होटल राजमहल एपिसोड 33 पूजा की हकीकत। करण अहूजा की गर्लफ्रेंड ईशा से जब विशाल और दिव्या मिले तब उन्हें उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे सच्चा होने के बावजूद करण ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वहीं ईशा ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, एक दिन करण ने वो किया जिसकी मुझे उससे कभी भी उम्मीद नहीं थी। कहते कहते ईशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। दिव्या ने ईशा के हाथों में हाथ रखकर उसे हिम्मत देते हुए कहा, फिर क्या हुआ? अपनी नम आंखों को पोंछते हुए ईशा ने कहा, एक रात करण की मम्मी ने उसे खाने के लिए पूछा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने सोचा कि करण सो गया होगा। लेकिन जब सुबह भी करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। तब पता चला कि करण ने अपने कमरे के पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतना बताते बताते ईशा फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, मेरा करण बेकसूर है, प्लीज उसे न्याय दिलवा दो। ये देखकर विशाल और दिव्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दिव्या ईशा का हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है, तुम चलो हमारे साथ। ईशा दिव्या की बात सुनकर कंफ्यूज्ड होती हुई पूछती है, लेकिन कहां जाना है? ये सुनकर विशाल ने अपनी गहरी आवाज में कहा, करण के घर। विशाल के इतना कहते ही जोरों से हवा चलने लगी। उस ठंडी हवा के कारण उन लोगों की कपकपी छूटने लगी और अचानक हवा का चलना अपने आप बंद हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देखकर वो सब हैरान हो गए। करण के घर पहुंचते ही विशाल ने जैसे ही डोरबेल बजाई, अंदर से फिर उसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज आई, हाँ भाई खोल रहा हूं। लेकिन सामने दिव्या और विशाल को देखकर उस इंसान ने गुस्साते हुए कहा, फिर आ गए तुम दोनों। लेकिन वो बूढ़ा आगे कुछ बोल पाए कि उससे पहले ही विशाल ने कहा, हम आपके बेटे की मौत का राज जानते हैं। करण के पापा आगे कुछ बोल पाते कि इससे पहले ही उनकी पत्नी ने विशाल को गले से लगाते हुए जवाब दिया, करण मेरे बेटे तुम आ गए, बस अब मैं तुमको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। करण की मम्मी की बात सुनकर विशाल कुछ बोल पाए उससे पहले ही करण के पापा ने अपनी वाइफ को अंदर भेज दिया। करण के पापा को विशाल की कोई बात नहीं सुनता देखकर दिव्या ने कहा, अंकल जी आपका करण बेगुनाह है, उसने तो बस लोगों और अपनों के तानों की वजह से इस रास्ते को चुना। ये है लड़की ईशा, करण की गर्लफ्रेंड, इसने खुद हमें बताया कि कैसे उस लड़की ने करण को जबरदस्ती फंसाया। ये सब सुनकर ईशा ने भी दिव्या की हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ अंकल, करण सिर्फ मुझसे प्यार करता था, वो लड़की जबरदस्ती करण के पीछे पड़ी हुई थी, वो करण को पा नहीं सकी तो उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया। विशाल फिर से करण के पापा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, अंकल आप बस एक बार के लिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए, सारा सच आपके सामने खुद आ जाएगा। ये सुनकर करण के पापा थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो विशाल के हाथ को पकड़ लेते हैं। विशाल का हाथ पकड़ते ही उन्हें एक झटका सा महसूस होता है और उनके सामने वो होटल का सारा नजारा आ जाता है, जहां वेदिका ने जबरदस्ती करण पर रेप का इल्जाम लगाया। उसके बाद कैसे जबरदस्ती करण को पुलिस खींच कर ले गई और उसकी मम्मी ने आकर उसकी बेल करवाई। फिर जब करण घर आया तब उसके ही अपने पिता ने उसको जलील किया और यहां तक कह दिया कि ऐसी संतान होने से अच्छा तो वो बे औलाद होते। करण के पिता ने देखा कि कैसे करण अपने कमरे में घुट घुट कर जीने लगा और रात रात भर रोकर गुजारने लगा। फिर उन्होंने देखा कि करण ने कहा, मुझे दुनिया से इतना फर्क नहीं पड़ता इतना आपसे पड़ता है पापा, मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन मैंने आपको सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया, इसीलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं आज ही आपके दिल से ये शर्मिंदगी का बोझ उतार दूंगा पापा। और इतना कहते ही
करण पंखे से लटकने लगा। ये देखते ही करण के पापा की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, नहीं करण। जैसे ही करण के पिता ने विशाल का हाथ छोड़ा, उनके सामने कुछ भी नहीं होता और वो जोर जोर से रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे पहचान नहीं सका। मुझे अपने बच्चे का सच दिखाई नहीं दिया। मैं एक अच्छा पिता नहीं हूं। विशाल ने उन्हें सहारा दिया और कहा, अंकल, आज भी करण की आत्मा इसी दुनिया में कैद है, लेकिन अब सच्चाई आप लोगों को पता होने के कारण वो आराम से दूसरे लोक में जा सकता है। और वैसे भी करण की आत्मा ने वेदिका को मारकर अपनी मौत का बदला भी ले ही लिया है। विशाल ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा। विशाल की ये बात सुनकर ईशा और करण के पापा शॉक्ड हो जाते हैं। इतना कहकर विशाल दिव्या का हाथ पकड़कर बाहर जाने को होता ही है कि तभी उसे करण के पापा के रोने की आवाज आती है। विशाल चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और करण के पापा को हाथ पकड़कर बाहर लाता है और बोलता है, अंकल जी, सुनी हुई हर चीज सच नहीं होती। कभी कभी अपने बच्चों पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। करण के पापा विशाल की बात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जब विशाल उनसे बोलता है, अंकल और ईशा उस तरफ देखिए। करण के पापा और ईशा पलटकर उस तरफ देखते हैं जिधर विशाल उन्हें देखने के लिए कह रहा होता है। सामने करण की आत्मा सफेद रोशनी में जाती हुई दिखाई देती है। करण के पापा के हाथ अपने बेटे को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरा करण! पल भर में करण मुस्कुराता हुआ उस सफेद रोशनी में गायब हो जाता है। विशाल करण के पापा का हाथ छोड़ देता है और करण के पापा अपने बेटे के लिए रोने लगते हैं। करण के पापा खड़े खड़े ही अपनी जगह पर धड़ाम से गिर जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं और बोलते हैं, यह सब मेरी गलती का नतीजा है, सब मेरी वजह से ही हुआ है, मेरा बच्चा। उन लोगों को रोता देखकर दिव्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर विशाल दिव्या के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद विशाल और दिव्या दिल्ली से निकल जाते हैं अलवर की तरफ। रास्ते में जाते हुए विशाल के मन में एक ख्याल आता है और कुछ सोचते हुए वो तुरंत एक नंबर पर कॉल करके बोलता है, हेलो सर, मैं बीमा कंपनी से विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ। क्या पूजा माहेश्वरी आपकी ही बहू थी जिनकी किचन में खाना बनाते वक्त जलकर मौत हो गई थी? हाँ जी। फोन के दूसरे तरफ से किसी व्यक्ति ने अपनी रोबीली सी आवाज में कहा, बताइए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? उस आदमी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। उस आदमी की बात सुनकर विशाल ने कहा, वो दरअसल पूजा माहेश्वरी के नाम की जो बीमा पॉलिसी करवाई गई थी वो अब मैच्योर हो चुकी है, तो मुझे आपको उस मैच्योर बीमा पॉलिसी का 8 लाख रुपए का चेक देना है। 8 लाख रुपए सुनते ही वो व्यक्ति के बात करने के तरीके में बदलाव आ गया और उसने बड़े ही प्यार से कहा, जी, तो मैं ये चेक आपसे कब ले सकता हूँ? उस व्यक्ति की बात सुनकर विशाल ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, हम चेक देने आपको खुद आपके घर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए, बस आप हमें अपने घर का एड्रेस बता दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। पैसे के बारे में सुनते ही उस व्यक्ति के सारे हाव भाव बदल गए और बिना एक भी पल सोचे उस व्यक्ति ने अपने घर का पता विशाल को दे दिया। हाउस नंबर 809, कबीर कॉलोनी, अलवर। अलवर बस स्टैंड में पहुंचते ही अचानक विशाल और दिव्या को एहसास हुआ कि जैसे वहां खड़ा हर एक इंसान उन्हें ही घूर रहा हो। और तभी एक औरत ने आकर दिव्या का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, बचा लो मुझे, मेरी मौत के बाद से मुक्ति नहीं मिली है, बचा लो मुझे। ये देखकर
दिव्या के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। दिव्या और विशाल जैसे तैसे भागते हुए वहां से ऑटो करके कबीर कॉलोनी जाते हैं। विशाल और दिव्या को घर तलाशने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और पूजा माहेश्वरी के घर पहुंचते ही जैसे ही विशाल ने दरवाजे पर नॉक किया, एक अजीब सी दर्दनाक आवाज पूरे माहौल में घुल गई। उस आवाज की बेबसी और दर्द दिव्या और विशाल से सहन नहीं हो रही होती है कि तभी दरवाजा खुलने के साथ साथ वो आवाज भी अपने आप गायब हो गई। विशाल और दिव्या ने सामने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। सफेद बाल, आंखों में चालाकी साफ नजर आ रही होती है। उस व्यक्ति ने विशाल और दिव्या को देखते ही कहा, आप लोग बीमा कंपनी से आए हैं ना? ये सुनकर जैसे ही विशाल ने हां में सर हिलाया, उस व्यक्ति ने बहुत ही गर्म जोशी से विशाल और दिव्या को अंदर आने के लिए कहा। आइए आइए, अंदर आइए ना, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? और फिर जोरों से आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ, सुनती हो, जरा चाय नाश्ते का प्रबंध करना। ये सुनकर विशाल कहता है, नहीं नहीं, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, हमें बस कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हाँ बोलिए ना, मेरा नाम संजय माहेश्वरी है। विशाल की बात सुनते ही उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपकी बहू की मौत कैसे हुई थी? विशाल ने सीधा अपना सवाल संजय माहेश्वरी से किया। सवाल सुनते ही संजय माहेश्वरी ने हिचकिचाते हुए कहा, बहू की मौत किचन में जलने की वजह से हुई थी। फिर दिव्या ने उस व्यक्ति से दूसरा सवाल किया और कहा, तो क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां पर उनकी मौत हुई थी? ये सुनकर संजय माहेश्वरी हड़बड़ा जाता है और कहता है, आपको उस जगह को क्यों देखना है? ये सुनकर दिव्या ने जवाब दिया, बस एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है, अच्छा होगा कि आप इसमें हमारी मदद करें। संजय माहेश्वरी दिव्या की बात सुनते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, जी बिल्कुल, चलिए किचन उस तरफ है। इतना कहकर संजय माहेश्वरी किचन की तरफ चला जाता है और उसके पीछे पीछे दिव्या और विशाल भी चले जाते हैं। किचन में जाते ही विशाल दिव्या का हाथ पकड़ता है और उन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है, वो सब कुछ जो 10 साल पहले उस किचन में हुआ था। दिव्या और विशाल ने देखा कि किचन में एक सुंदर सी लड़की चाय बना रही होती है। उस लड़की ने राजस्थानी कपड़े पहने हुए होते हैं। इतने में अनन्या किचन में आती है और उस लड़की पूजा से कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, तुमने उसको मेरे खिलाफ भड़का कर बहुत गलत किया। अनन्या की बात सुनकर पूजा ने अनन्या से कहा, मुझे माफ करना अनन्या, लेकिन तुम और मेरा भाई शिव एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। पूजा की बात सुनकर अनन्या को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती हुई कहती है, तुम होती कौन हो ये तय करने वाली कि मेरे लायक बना है या नहीं? तुम्हारे कारण, आज सिर्फ तुम्हारे कारण वो मुझसे बात नहीं कर रहा। अरे बात करना तो दूर, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अनन्या की बात सुनकर पूजा शांति से जवाब देती है, अनन्या मैं तुम्हें और अपने भाई दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा भाई बहुत सीधा साधा और भोला भाला लड़का है, वो तुम्हारी जैसी लड़की के लिए नहीं बना है। पूजा की बात सुनकर अनन्या और जोरों से गुस्सा जाती है और कहती है, तुम्हारे जैसी लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा पूजा? अनन्या की बात सुनकर अब पूजा को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है, अपनी हद में रहो अनन्या, मैं तुम्हारी भाभी हूं। ये सुनकर अनन्या हंसते हुए कहती है, भाभी होती तो अभी मेरा साथ देती, अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काती नहीं। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे भाई शिव से कितना प्यार करती हूं और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। ये सुनकर पूजा अनन्या से कहती है, मेरी बात मानो अनन्या, भूल जाओ शिव को। लेकिन अनन्या तो जैसे आज अपने बस में ही नहीं थी। पूजा की यह बात सुनते ही अनन्या ने तुरंत वहीं पर रखा
एक मिट्टी के तेल का डब्बा पूजा के ऊपर उड़ेल दिया और तुरंत ही माचिस से आग लगा दी। पूजा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लाख चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। वही बगल में दूसरे कमरे में बैठा उसका पति उसकी मदद करने के लिए उठने वाला होता ही है कि पूजा के ससुर उसे यह कहकर रोक देते हैं कि उन्हें अपना मामला खुद निपटाने दे, तो चुपचाप यहीं बैठ। ये सब देखकर विशाल और दिव्या के अंदर उस घर में रह रहे लोगों के लिए नफरत बढ़ जाती है और विशाल अपना आपा खोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आपने अपने बहू को जलाकर मार डाला और आपको उसके बीमा के पैसे चाहिए। विशाल के इतना कहते ही पूरे घर में फिर से पूजा की दर्दनाक चीख गूंज उठती है। पूरे घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं, लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं, दरवाजे खिड़कियां धाड़ धाड़ करके बंद होने लगते हैं। ऐसे बदलते माहौल को देखकर संजय माहेश्वरी और उसकी पत्नी डर के मारे कांपने लगते हैं और इन सब के बीच संजय माहेश्वरी के कानों में पूजा की आवाज गूंजती है, तू भी है मेरा कातिल, तूने ही तो अपने बेटे को रोका था ना मुझे ना बचाने के लिए। पूजा की आवाज सुनकर संजय माहेश्वरी डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और उनके माथे से पसीना छूटने लगता है। संजय और उनकी पत्नी दोनों हाथ जोड़ते हुए दिव्या और विशाल से कहते हैं, हमें बचा लो, हमने किसी को नहीं मारा, हमें बचा लो, हमारी बहू अपने आप जलकर मरी थी, अब उसके आरोप में मेरा बेटा उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये सुनकर दिव्या को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे अब तो सच बोलो, मैं पता चल चुका है कि आपकी बेटी ने ही आपकी बहू को जलाकर मारा था और आपकी बेटी को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप भी देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जो आपकी बेटी का अंजाम हुआ वही आपका अंजाम भी हो जाए। इतना सुनकर संजय और उनकी पत्नी विशाल और दिव्या के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। ये सब देखकर विशाल कहता है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे आप अपनी बहू पूजा माहेश्वरी के घर का पता दीजिए, अब मैं सीधा उनके घर वालों से ये बात करना चाहता हूं। ये सुनकर संजय तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहते हैं, मेरे पास पूजा के घर वालों का नंबर या पता नहीं है। इतना कहते ही फिर से तुरंत संजय के कानों में पूजा की आवाज गूंजने लगती है, अगर आज तू झूठ बोला तो तू भी मेरी ही तरह जलकर मरेगा, इससे अच्छा है कि तू मेरे घर वालों का पता इनको दे दे। उस औरत की भयंकर आवाज सुनते ही संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। संजय की हालत ऐसी हो जाती है मानो काटो तो खून नहीं, और संजय बिना कुछ बोले दिव्या और विशाल को अपनी बहू पूजा के घर का पता दे देते हैं, विश्वास नगर अर्जुन सोसाइटी अलवर। पूजा के घर पहुंचते ही विशाल और दिव्या को पूजा के पापा घर के बाहर खड़े हुए मिल जाते हैं। उनको देखते ही विशाल ने उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, क्या आप ही पूजा के पापा हैं? ये सुनकर पूजा के पापा की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहते हैं, हाँ बेटा, मैं ही पूजा का पापा हूं, क्या काम है आपको? उनकी बात सुनकर दिव्या हिचकिचाते हुए कहती है, अंकल क्या हम अंदर चलकर कुछ बात कर सकते हैं? हमें आपसे पूजा के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। दिव्या की बातें सुनकर पूजा के पापा थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, पूजा के बारे में? उनकी बात सुनते ही विशाल कहता है, जी अंकल, पूजा को दहेज के लालच में जलाकर नहीं मारा गया था। पूजा की मम्मी चौंकते हुए कहती है, ये क्या मजाक है, मुझे पता है मेरी बेटी पूजा को उन्हीं लोगों ने दहेज के लालच में जलाकर मारा था। उनकी बात सुनते ही दिव्या ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल बात यह है कि उनकी बेटी अनन्या को आपके बेटे शिव से बहुत प्यार था, जिसका विरोध आपकी बेटी पूजा ने किया तो अनन्या ने गुस्से में उसे जलाकर मार डाला।
ये सुनकर पूजा के पापा और उसकी मम्मी हैरान खड़े उन्हें देखते रहते हैं। दिव्या ने आगे कहा, यह सच है और आपको यह सब बताना जरूरी था, वरना पूजा की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल पाती। वैसे भी पूजा की आत्मा ने अनन्या को मारकर अपनी मौत का बदला तो ले ही लिया है, विशाल ने दिव्या की बात पूरा करते हुए आगे कहा। तभी विशाल पूजा के पापा और उसकी मम्मी को लेकर बाहर आता है और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए एक तरफ इशारा करता है, जहां सामने सफेद रोशनी में पूजा की आत्मा खड़ी हुई है। पूजा के चेहरे पर एक अलग सा सुकून नजर आ रहा होता है और देखते ही देखते पूजा मुस्कुराते हुए उनकी आंखों के सामने से उस रोशनी में गायब हो जाती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या इन चार आत्माओं की मुक्ति आती है? तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या इन चार आत्माओं की मुक्ति के बाद उन चारों लड़कियों की आत्मा को मुक्ति मिल पाएगी?